हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञान सागर मटपाल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक वर्ड्स प्रॉब्लम है, वर्डिंग में एक सम है जिसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बदल कर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम जो वर्डिंग में हमें सम दिया है उसे समझते हैं। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका जो डायगोनल है वो जो रेक्टेंगुलर फील्ड की सबसे छोटी साइड है। अब बच्चों, रेक्टेंगल में एक लेंथ होता है डायमेंशन और एक ब्रेथ होता है। तो लेंथ तो बड़ा होता है और जो ब्रेथ है वो शॉर्टर साइड होती है। तो डायगोनल जो है छोटी साइड से 60 मीटर ज़्यादा है। तो बच्चों, ऐसे सवाल में हमें क्या करना है कि जो डिपेंडेड है वो डायगोनल डिपेंडेड है शॉर्टर साइड पे। अगर हमें शॉर्टर साइड पता चल जाए तो हम उसमें 60 मीटर प्लस करके निकाल सकते हैं। तो जो बाद में दिया रहता है, जैसे शॉर्टर साइड यहाँ बाद में है और डायगोनल यहाँ पहले है, तो हम क्या करते हैं बच्चों कि जो शॉर्टर साइड है उसे हम एक्स मीटर मान लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया कि जो रेक्टेंगुलर जो फील्ड है उसकी जो सबसे छोटी साइड है वो एक्स मीटर है। अब बच्चों, जब हम दूसरी लाइन पढ़ते हैं तो जो लॉन्गर साइड है, ठीक है, वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा है। इसका मतलब लॉन्गर साइड जो है एक्स प्लस 30, जो भी शॉर्टर साइड है, जैसे एक्स है तो उसमें 30 जोड़ दो। अब जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है, तो डायगोनल होगा इक्वल टू एक्स प्लस 60। अब अगर हम देखें, बात करें जो रेक्टेंगुलर जो फील्ड है उसकी, अगर हम बात करें तो उसमें एक राइट ट्रायंगल बनता है, ABC जो राइट ट्रायंगल है उसमें ये AC तो डायगोनल है, AB यहाँ पे ब्रेथ है और BC यहाँ पे लेंथ है, हम किसी को भी मान सकते हैं। तो हमने AB, BC और AC, तो पाइथागोरस हमने लगाया, AC डायगोनल का स्क्वायर, अन्य दो साइडों के स्क्वायर का सम होगा। तो बच्चों, हमने AB जो है वो हमने x प्लस 30 मान लिया, तो AB को हटा के हमने लिख दिया x प्लस 30 का होल स्क्वायर और BC को हमने मान लिया x, और वो हो जाएगा x का स्क्वायर। और AC जो है यहाँ पे डायगोनल है जो है x प्लस 60, तो ये उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे और a प्लस b का होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी हम लगाएंगे। तो x प्लस 30 के होल स्क्वायर को जब हम खोलेंगे तो a x है और b हमारा 30 है। तो बच्चों, ये हो जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900 और प्लस 2ab, a क्या है x और b क्या है 30, तो 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 30, तो ये हो जाएगा प्लस का 60x। फिर बच्चों, हम लिखेंगे x स्क्वायर। अब हम x प्लस 60 के होल स्क्वायर को भी a प्लस b के होल स्क्वायर से खोलेंगे, तो a हमारा क्या है x, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 60, तो 60 का स्क्वायर क्या होगा 3600। फिर प्लस 2ab, 2ax है और b 60 है, तो 2 की मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 120x। अब बच्चों, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में है और ये x स्क्वायर भी प्लस में है, तो ये राइट साइड वाला जब लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये x स्क्वायर ऐसे ही उतरेगा, प्लस 900 प्लस 60x भी ऐसे ही उतारेंगे, और राइट में जो 3600 प्लस 120x है उसे हम लेफ्ट में लेके आएंगे तो साइन बदल जाएगा। अब 60x माइनस 120x को जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा माइनस का 60x, और 3600 में से जब 900 माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2700।
तो बच्चों ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना दी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हमने बनाई है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम सॉल्व कर रहे हैं, आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है 1 वो a है, x के साथ जो नंबर है -60 वो b है, और जो कांस्टेंट वैल्यू है -2700 वो c है। अब बच्चों हम d की वैल्यू निकालेंगे, और d होता है बी स्क्वायर -4ac। तो b को हटा के हम लिखेंगे -60, तो ये हो जाएगा -60 का स्क्वायर, और -4a को हटा के 1, और c को हटा के -2700। बच्चों जब -60 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3600, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, और 4 की मल्टीप्लाई जब हम 2700 में करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 10800। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 10800 में 3600 हम प्लस करेंगे तो d की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 14400। अब d निकल के आ गया जो पॉजिटिव है, तो अल्फा बराबर होगा -b प्लस रूट डी अपॉन 2a, और अब हम b की जगह -60 लिखेंगे, और d को हटा के 14400 लिखेंगे, और a को हटा के लिखेंगे 1, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे 60 आएगा, और 14400 का जो स्क्वायर रूट है 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, तो ये आ जाएगा 120। 120 को जब हम 60 में प्लस करेंगे बच्चों तो अल्फा बराबर आएगा 180 अपॉन 2 जो होगा 90 के इक्वल, तो ये हमने अल्फा निकाला। अब बच्चों हम बीटा निकालेंगे, दूसरा रूट निकालेंगे, तो बी की जगह हमने -60 लिखा और डी की जगह हमने लिखा 14400। फिर ये सॉल्व करके सॉल्व करके हमारा बीटा आ गया -30। अब बच्चों जो डायमेंशन होते हैं वो नेगेटिव में तो होते नहीं, तो पॉजिटिव वैल्यू जो है अल्फा इक्वल टू 90 वो हमने एक्स की वैल्यू ले लिया। तो एक्स हमने माना था शॉर्टर साइड को, तो शॉर्टर साइड यहाँ पे हो गया 90 मीटर। अब बच्चों जो लॉन्गर साइड है वो 30 ज़्यादा है, तो 90 में जब 30 प्लस करेंगे तो 120 लॉन्गर साइड है, और जो डायगनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है, शॉर्टर साइड 90 है, तो 60 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 150। इस तरीके से बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे। अब बच्चों इसी प्रकार से हम 7th वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें वर्डिंग में सम दिया हुआ है कि दो नंबर्स के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 है, दो नंबर हैं और उनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, उनके स्क्वायर का डिफरेंस। और बच्चों जो स्मॉलर नंबर है, जो छोटा नंबर है उसका जो स्क्वायर है वो लार्जर नंबर का 8 times है, तो हमें फाइंड द टू नंबर्स। तो बच्चों जब ये दो नंबर हैं तो इनमें से कोई एक बड़ा नंबर है और इनमें से कोई एक छोटा नंबर है, तो हम क्या कर लेते हैं कि किसी एक को हमने बड़े नंबर को, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मॉलर नंबर के स्क्वायर जो है वो लार्जर नंबर का 8 times है, तो मैंने बताया था ना बाद में जो है लार्जर नंबर उसको हमने लेट कर लिया, तो हमने बच्चों लार्जर नंबर को x मान लिया। अब लार्जर नंबर को जब हमने x माना तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्जर नंबर का स्क्वायर और जो स्मॉलर नंबर है उसका जो स्क्वायर है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंसेस हमें 180 दिया हुआ है, तो दोनों नंबरों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। दोनों नंबर, एक नंबर लार्जर नंबर दूसरा नंबर स्मॉलर नंबर, दोनों का स्क्वायर। अब बच्चों लार्जर नंबर को हमने क्या माना था x, तो हमने इसको हटा के इसकी जगह लिख दिया x, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस बाकी हमने एज इट उतार दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें स्मॉलर नंबर निकालना है तो हम 180 को इधर लेके आएंगे और जो स्मॉलर नंबर का होल स्क्वायर है उसे हम राइट में ले जाएंगे। अब बच्चों हम इसको
राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट में लिख देंगे और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर हम दोबारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि जो स्मॉलर नंबर है, जो छोटा नंबर है, उसका जो स्क्वायर है, छोटे नंबर का जो स्क्वायर है वो इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। और लार्जर नंबर क्या माना था हमने? x। तो x का 8 टाइम्स 8x, तो इसका मतलब कि स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। तो बच्चों इसे हमने इक्वेशन 2 मान लिया। इक्वेशन फर्स्ट और 2 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें दोनों का लेफ्ट जो साइड है वो सेम है। इक्वेशन फर्स्ट में लेफ्ट में है स्मॉलर नंबर का स्क्वायर और इक्वेशन 2 में भी लेफ्ट में है स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। तो जब दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड उनके जो राइट साइड है वो भी इक्वल होगी। तो हमने दोनों के राइट को हमने इक्वल में लिख दिया। अब 8x को इधर लेके आए तो ये माइनस का 8x हो गया। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना दी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हमने बनाई है बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमने ए बी सी ले लिया, फिर हमने डी निकाला। डी निकालने का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी को हटा के हमने बच्चों माइनस 8 रखा और ए को हटा के 1 और सी को हटा के माइनस 180। माइनस 8 का स्क्वायर बच्चों 64 होता है। माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस में करते हैं तो प्लस आता है और 4 की मल्टीप्लाई 180 में करेंगे तो 720। फिर 720 में जब हम 64 प्लस करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 784, जो डी निकला। अब हम अल्फा और बीटा निकालेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम रूट्स इस तरीके से निकालते हैं, पहले डी निकालते हैं। अब अल्फा में हम क्या करेंगे, बी को हटा के क्या लिख देंगे बच्चों, -8, और डी को हटा के 784, और ए को हटा के हमने लिख दिया 1। अब बच्चों माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस 8 हो गया। 784 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 28 को अगर हम 28 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आ जाता है 784। अब 28 को जब हम 8 में प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 36/2 और जो इक्वल टू 18 निकल के आएगा। ऐसे ही हम बीटा निकालेंगे। बीटा में हम बी को हटा के -8 रखेंगे और डी को हटा के हम रखेंगे 784। अब बच्चों ये 784 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा तो ये बीटा हमारा जो निकल के आएगा वो नेगेटिव निकल के आएगा -10। तो हमें पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव हमने अल्फा ले लिया 18। तो हमने लेट किया था लार्जर नंबर को एक्स, तो इसका मतलब लार्जर नंबर जो निकल के आया बच्चों वो इक्वल टू 18 निकल के आया। अब हमें निकालना है स्मॉलर नंबर। तो जो एक्स की वैल्यू इक्वल टू 18 निकल के आया उसे हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन टू में रखेंगे। तो इक्वेशन टू में रखेंगे हम लोग। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर बराबर है 8x, तो 8 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 18 से। तो 8 की मल्टीप्लाई 18 से करेंगे 144। फिर ये स्क्वायर राइट में जाके रूट चढ़ जाएगा और 144 का स्क्वायर रूट निकल के आएगा बच्चों 12। तो लार्जर नंबर 18 है और स्मॉलर नंबर 12 है। इस तरीके से हमें ये करना है।